पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में एकात्मक मानववाद एवं सामाजिक समरसता विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व विधान परिषद सदस्य पटना हरेंद्र प्रताप तथा मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय जनजाति सुरक्षा मंच इंदौर के राष्ट्रीय संयोजक हर्ष सिंह चौहान मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने किया। इस दौरान दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के निदेशक डॉक्टर नरेश प्रसाद भोक्ता, सदस्य प्रोफेसर दीपक त्यागी, डॉक्टर संजीत गुप्ता सहित अन्य शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात छात्रों ने विश्वविद्यालय का कुलपति प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। पिछले वर्ष किसी भी स्तर पे जाकर लोगों का विरोध करना, उससे दूर रहकर नैतिकता की बात उसमें जोड़ना, और जो धर्म वाली बात है, धर्म का मतलब यहां पूजा पद्धति से नहीं, धर्म का मतलब एक मानवता और मनुष्य का जो जीवन, श्रेष्ठ जीवन जीने की जो शैली है, उसको धर्म के रूप में हम लोग समझते हैं। उस धार्मिक दृष्टिकोण से, आर्थिक यानी मानवता के दृष्टिकोण से कौन से नियम महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और यही नहीं, वो कहते कहते इतना आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि वास्तव में जो नियम है वो प्रकृति का ही नियम सबसे ऊपर है, यानी वो नेचुरल लॉ की बात करते हैं, इथिकल लॉ की बात करते हैं, रिलीजियस लॉ की बात करते हैं, उस लॉ को उस विधि को जोड़ते हुए और राजनीति की विधि और विधान की बात करते हैं। ऐसे में दीनदयाल जी के बारे में हम जब बात करते हैं तब ध्यान में आता है कि आज के राजनेताओं को, आज के राजनीतिज्ञों को कैसा होना चाहिए, क्या वो उस प्रकार की संकल्पना को लेकर चल रहे हैं जो समाज के लिए और यही नहीं पूरे प्रकृति के लिए जरूरी है, वो संकल्पना कहाँ तक साकार हो पा रही है, क्या मानववाद के द्वारा समझने का प्रयास किया। और अगर आप भारतीय चीजों को भारतीय दृष्टि से देखना चाहें तो निश्चित रूप से हम लोग को दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में प्रयास करना चाहिए कि हम लोग उसका उनका अध्ययन करें और जो शोधपीठ का उद्देश्य है उसको पूरा करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा हम आजाद हो गए तो कर्मवादी स्वराज लाएंगे। महर्षि अरविंद, उनसे पूछा गया कि अंग्रेज जाएंगे तो आप कैसा भारत बनाएंगे, उन्होंने कहा मेरे दिमाग में कल्पना है वैदांतिक स्वराज पैदा हो। सावरकर जी के बारे में तो मालूम है, उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व दर्शन को मैं स्थापित करूं। करपात्री जी से वो कहे कि हमको राम राज्य फिर से स्थापित करना है और राम राज्य के आधार पर समाजवाद लाना है। जगन सिंह ने गरामोखी समाज की बात कही, लेकिन आजादी के बाद जिनके हाथ में नेतृत्व मिला उनके सामने सोवियत संघ का मॉडल था, महादेवी का इसके पास कुछ अपना है नहीं है, ये इसके तरफ कभी सोचने की फुर्सत ही नहीं हुई। और जो पश्चिम का है देखो, तो पहले भागते रहे हम साम्यवाद और समाजवाद के पास। 90 में आते आते हम दिवालिया हो गए, हमको कोई कर्जा देने को तैयार नहीं था, देश का सोना गिरवी रखना पड़ा। ध्यान रखिए जसवंत सिंह थे उस समय, जसवंत सिन्हा थे उस समय, चंद्रशेखर जी की प्रधानमंत्री के समय 76 टन सोना गिरवी रखना पड़ा। ये भारत की क्रेडिबिलिटी अगर चौपट हुई
नहीं। आदमी सोना कब गिरने लगता, पहले दुकानदार से लाता है कि विश्वास करो, बाद में कहता है कि अच्छा ठीक है थोड़ा सा ये खेत अगर बंधक रखता है, अंत में कहता है कि अब तो कुछ नहीं है तो घर का सोना गिरने लगता है। भारत की इज्जत साम्यवाद और समाजवाद के ऊपर 90 में हो गई कि दुनिया कर्जा देने को तैयार नहीं। छोड़ के अजब हुआ, उस समय चर्चा हम करते थे तो हमारी भी आलोचना होती जा रही बात, नेहरूवियन मॉडल के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, ये तो कभी भूल के चर्चा मत करिए। अचानक नरसिंहा राव आए और मनमोहन सिंह ने पूरब से पश्चिम सीधे दिशा बदल के और उदारीकरण का दौर शुरू कर दिया। ये उदारीकरण इसमें पूरा न्यूज है, पिछले 2 महीना का पेपर पढ़ लीजिए, चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार शुरू हो गया। अमेरिका कहता भारत के ऊपर भी, भारत के स्टील के ऊपर अमेरिका ने ड्यूटी लगा दिया, ट्रंप के निशाने पर भारतीय उत्पाद, ये पूरा फाइल मेरे पास है। पूंजीवाद डूबने जा रहा है, मैं आज आपको कह देता हूं उदारीकरण खत्म होने जा रहा है। अगर उदारीकरण खत्म नहीं करेंगे तो दुनिया की सत्ता को देश की जनता बदल देगी, क्योंकि लोग अब मान रहे हैं कि हमें जीने के लिए